अदर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन इन टाइम. ओके, तब तक लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो आई एम हियर टू डिस्कस विद यू ऑल ए सब्जेक्ट विच इज बेस्ड अपॉन द मशीनिंग प्रोसेस. ओके, इन दिस सब्जेक्ट विच इज द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स वी विल बी डिस्कसिंग some advanced methods which are generally used to machine the surfaces. Okay, okay, so let us start. There are 27 students right now, so 1 minute aur wait kar lete hain, let others join. सर आपने इसकी कोई बुक बताई थी? सर आज पहला लेक्चर है बेटा. नहीं, मेरे को लगा कि कहीं लैब में बताई हो. मेरे को याद नहीं. मैं अभी बता दूंगा. ठीक है सर. अच्छा, मैं तब तक और बच्चे ज्वाइन होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं इस एमएस टीम के बारे में. आपको पता ही है वैसे तो, बट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई अगर आपके पास क्वेरी आ रही है माइंड में ड्यूरिंग द लेक्चर, यू कैन रेज योर हैंड. है ना, आपको ऑप्शन पता होगा. जो एक ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप आता है, बाहर आता है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है रेज हैंड, और उसके साथ एक चैट बॉक्स. ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आपने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हैं. ठीक है, अगर कोई क्यूरी है तो बिफोर अनम्यूटिंग योर सेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करने से पहले यू हैव टू रेज योर हैंड. ठीक है, जब आप रेज हैंड करेंगे तो आई हैव ए सेपरेट विंडो फॉर दैट, तो वहाँ पर मुझे आपका हैंड रेज शो हो जाएगा. ठीक है, सो आई विल बी कॉल योर रोल नंबर और नेम, देन ओनली you need to unmute yourself and discuss the query. Okay, कोई भी आपके पास objection है, query है, question है, तब आप बेटा please discuss करेंगे. Otherwise ऐसे आप unmute करके बोलेंगे तो पहले मुझे समझ नहीं आएगा कौन बोल रहा है. ठीक है, उसके बाद उसमें disturbance होता है और बच्चों को भी, तो it's a better way. ठीक है, कि पहले आप hand raise करें, उसके बाद हम फिर activity अपना start करते हैं. दूसरी चीज़, मैंने लैब में M7 को बताई थी, अब इसमें M8 के भी बच्चे हैं, कि जो MS Team प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही एक्टिव प्लेटफॉर्म है. ठीक है, इसके अंदर अगर आप बहुत देर तक कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, जैसे हैंड रेज नहीं किया, या कोई मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपने चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके या अनम्यूट करके नहीं दिया, बहुत देर तक अगर आप आइडियल बैठते हो तो ये आपके स्टेटस के आगे, आपके नाम के आगे होल्ड लिख देता है, HOLD होल्ड. दैट मीन्स दैट स्टूडेंट इज नॉट अटेंडिव एंड स्टूडेंट हैज लेफ्ट द प्लेस बाय जस्ट स्विचिंग ऑन द लैपटॉप और फोन ऑन द करंट लेक्चर. ठीक है, तो इस चीज़ का बेटा आपने ध्यान रखना है, यू हैव टू बी अटेंटिव. चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है, कोई क्यूरी आती है तो पूछना है, और मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ, कोई पॉइंट रेज करता हूँ, तो वो आपने डिस्कस करना है, वो आपने आंसर देना है. ठीक है, तो ये बेटा आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के वीडियो कैमराज ऑन नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता लगेगा कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है. तो आप बेटा ये जो बीच बीच में एक्टिविटीज़ होंगी, कोई कुछ मैं पूछूंगा, रिस्पॉन्स देना है, यस करना है, नो करना है, तो वो आप हैंड रेज की हेल्प से या चैट बॉक्स से या अनम्यूट करके, जो भी रिक्वायर्ड होगा उस समय पर, तो हम उसकी हेल्प से, ठीक है, वी विल डिस्कस. तो इससे आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो सिस्टम आपको होल्ड पे नहीं दिखाएगा. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि एमएस टीम पे जो आपकी अटेंडेंस होगी, बहुत सारे तरीके हैं उसके अटेंडेंस को काउंट करने के, जिसमें से एक तरीका इनबिल्ट है एमएस टीम में, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एन
क्या बोलते हैं फाइल, एक्सेल फाइल, तो जितने बजे भी आप लॉग इन हुए हो, जितने बजे भी आप लॉग ऑफ करोगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, चैनल से, तो सारी आपकी जो एक्टिविटी है वो एक एक्सेल शीट में स्टोर होती है ऑटोमेटिकली, एंड दैट एक्सेल शीट कांट बी एडेड. ठीक है, आप ऐसे बोलोगे कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या जो भी इशू है, ठीक है, वो आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हो टीचर के साथ, बट एक्सेल शीट में कोई एडिट नहीं होगा. और वो एक्सेल शीट जो है वो मेड सर्वर में जा रही है, एम ई के सर्वर में नहीं जा रही है. लेट मी वेरी क्लियर विद यू. ठीक है, एम ई मतलब मैकेनिकल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं है, वो मेड में जा रहा है, तो एडिट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेड के रिकॉर्ड में वो चला गया है. ठीक है, तो उसमें फिर डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं रह जाता उस चीज़ को एडिट करना या आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करना. कोई प्रॉब्लम है अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे तो पहले से ही इन्फॉर्म कर दो अपने सब्जेक्ट टीचर को. यहाँ पे चैट बॉक्स भी है एक साइड में, वहाँ पे सबके कॉन्टैक्ट्स हैं हम टीचर्स के, तो वहाँ पे आप चैट कर सकते हो. अदरवाइज व्हाट्सएप का ग्रुप या कुछ इस तरीके का बना के यू कैन रेज द पॉइंट, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई काम है, कोई कुछ है. ठीक है, अच्छा, ये लेक्चर विल बी ऑलमोस्ट 50 मिनट के लेक्चर्स हैं और लैब वन दो लेक्चर्स में के टाइम पे एक लैब है, तो ऑनलाइन चलेगा सब कुछ. ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा बट आप लोगों को, थोड़ा सा टीचर्स को करना पड़ेगा, थोड़ा स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, तभी कुछ इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे हम इस प्लेटफॉर्म का. ठीक है, तो 37 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए मेरे ख्याल, हाँ 37 इज द स्ट्रेंथ. एक बार रेज हैंड कर दो जो जो एक्टिव है अभी, जस्ट रेज द हैंड. ठीक है, ओके, ऑप्शन पता लग गया ना आपको रेज हैंड का कहाँ पे है. ठीक है, गुड गुड सर. ठीक है, हेलो. यस बेटा. हाँ बेटा बताओ. सर शो नहीं कर रहा रेज हैंड का आज, पता नहीं तेरे फोन में लैपटॉप में हो. सर लैपटॉप में. अच्छा, शो तो करता है वैसे, तो करता है मतलब लास्ट लैब में भी थे ना आप, उसमें तो कर रहा था शायद. हाँ जी सर. कोई नहीं, माइनर बग होगा, कोई नहीं, मैं कंसिडर करूँगा. आप ऐसे अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हो जब मैं कुछ पूछूंगा. ठीक है, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें. और इन लेक्चर्स की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे एक रेड कलर का डॉट बना हुआ है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड. ठीक है, तो उस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें. जो भी अनम्यूट करता है, म्यूट करता है, जो भी एक सिंगल वॉइस की वाइब्रेशंस भी जनरेट होती है वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्टिविटी से पहले यू हैव टू थिंक. ठीक है, कि वो कुछ क्या बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट चीज़ ना हो. ठीक है, तो प्लीज़ बेटा ये थोड़ा सा एटिकेट्स दिखाने पड़ेंगे आपको. ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस है, तो थोड़ा सा बेटा आपको एटिकेट्स दिखाने पड़ेंगे. आप एक बार अगर हैंड रेज किया है तो उसके बाद उसी बटन पे दोबारा क्लिक करके आप लोअर भी कर सकते हो उसको, हैंड को. तो एक बार आप हैंड रेज हटा दो, इससे नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, तो सब बच्चे प्लीज़ एक बार हैंड रेज हटा दो. एंड आई एम बिगिनिंग विद द लेक्चर नाउ. इट इज़ 10:09. 38 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द लेक्चर. 4214 14003. हाँ हटा दो बेटा. हाँ हाँ, थैंक यू. 421 रह गया. चलो, Who is 421? Sir, Vishrut, sir. हाँ विश्रुत, हैंड रेज हटा दे बेटा. हाँ ठीक है, ओके, हैंड रेज हटा दे. चलो, लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. सो आई एम हेयर टू टीच यू द एडवांस मशीनिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, विच इज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर योर कोर्स. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यू हैव स्टडीड सब्जेक्ट विच वॉज MP, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस MP. देन इन द थर्ड सेमेस्टर यू स्टडीड MSM, मटेरियल साइंस. देन इन द फोर्थ यू स्टडीड MM, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स. देन इन द फिफ्थ सेमेस्टर यू स्टडीड MCTD एक सब्जेक्ट था, दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, MCTD. ठीक है, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं अपने जो जो क्लासेस थी उसमें. तो
इन सब में आप कॉमन क्या चीज पढ़ते थे, इसमें इन सब में कॉमन क्या चीज था, दैट इज दी वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। आप हर सब्जेक्ट में चाहे आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स पढ़ रहे थे, तो उन सब में कॉमन चीज थी, ए कॉमन वर्ड वॉज यूज, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल द फाइनल ईयर आप मैन्युफैक्चरिंग से वन इन सम ऑर्डर यू आर डीलिंग विद दिस वर्ड। ठीक है, स्टिल आई गेस आई नीड टू डिस्कस इट विद यू। मुझे अभी भी फील हो रहा है कि आपको आपके साथ ये सब्जेक्ट डिस्कस, ये वर्ड जो है डिस्कस होना चाहिए, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग इसमें मिस करते हो इन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, वेट अ मिनट। Now it is fine. Okay, so let's start with the basic definition of the word manufacturing. What is manufacturing? In general sense, we can define the manufacturing as a process or an activity which is used in order to convert a, kya use hota hai beta iska, to convert the raw material टू फिनिश प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल सही, टू अ फिनिश्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक, सबको दिख रहा है बेटा, व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना, और रीडेबल भी है सर? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज ए वेरी वेरी कॉमन और जनरलाइज वर्ड विच स्टैंड्स दैट इट इज ए प्रोसेस of converting the raw material into some finished product. Okay, so this definition is known to everyone, known to everybody. Now, in order to discuss it further, ye definition aa gaya manufacturing ka, it's an activity to convert the raw material to a finished product. Now, this definition, this this particular definition is very generalized in terms. Dekha jaye ये बहुत ही जनरल डेफिनेशंस हैं। दिस इज़ अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विदाउट मच टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ बताने के लिए इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत थी, या इंजीनियरिंग में भी फाइनल ईयर तक पहुंचने की ज़रूरत थी, सिर्फ ये बताने के लिए दैट मैन्युफैक्चरिंग इज इन जस्ट एन एक्टिविटी जिसमें एक रॉ मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, स्क्रैप मटेरियल को आप एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ चीज़ की कमी है, जिससे कि इसके अंदर कोई टेक्निकल वेटेज नहीं है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में। ठीक है ना, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल डेफिनेशन और द टेक्निकल वर्ड्स इन्वॉल्व्ड इन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जिसमें सपोज वी हैव ए पर्टिकुलर पीस ऑफ ए लंप ऑफ सम मटेरियल, हमारे पास कुछ किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का और रैंडम मटेरियल का एक सम है। फॉर एग्जांपल आप किसी वर्कशॉप में गए, वहाँ पे वर्कशॉप में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो स्क्रैप बचता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, दैट वी हैव ए दैट वेस्ट और स्क्रैप मटेरियल विद अस ऑफ सम पर्टिकुलर मटेरियल, लेट दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर मटेरियल को फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि माइल्ड स्टील आप सबको पता है, मैं माइल्ड स्टील का कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? सो दिस स्क्रैप और वेस्ट पीस ऑफ माइल्ड स्टील डज नॉट हैव It does not have any particular or defined shape as well as size. इस चीज से सब agree कर रहे हैं, shape and size. इस particular वर्क पीस का
ना ही कोई शेप डिफाइंड है ना ही कोई साइज डिफाइंड है, तो इट इज वेरी रेंडम इन शेप एंड साइज, क्लियर है ये। चलो सेकेंड देखिए, दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क पीस और लंप और रॉ मटेरियल और स्क्रैप और वेस्ट डज नॉट हैव नो सरफेस या इसको कह सकते हैं फिनिश, कोई फिनिश नहीं है इसका, हो सकता है इस पर रस्ट भी लगाओ क्योंकि माइल्ड स्टील का है विद टाइम, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर लंप ऑफ पीस वेस्ट पीस, सिंस कोई शेप नहीं है इसका डिफाइंड, कोई साइज इसका डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, कोई फिनिश नहीं है, बहुत ही रस्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, वट डज इट मीन दैट दिस वेस्ट पीस विल नॉट हैव एनी स्पेसिफिक यूज, इसका कोई यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या यूज होगा, इसको कवर करके आप पेपर वेट बना लो, या आपकी किसी से लड़ाई हुई है तो उसके ऊपर मारने के काम आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना ये, ठीक है ना। सो दिस पीस डज नॉट हैव एनी यूज और आई कैन से टू बी यूटिलिटी, कोई यूटिलिटी नहीं है इसकी। नाउ द वन विच डज नॉट हैव एनी प्रॉपर शेप, डज नॉट हैव एनी फिनिश, डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर यूज, वी कॉल और वी कैन एज्यूम दैट देर विल नॉट बी एनी कॉस्ट इन्वॉल्व विद इट, और है भी तो दैट कॉस्ट विल बी वेरी वेरी लो, स्क्रैप में जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पा रहा इसका, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट जिसके पास ना कोई शेप होती है, ना साइज है, ना ही रिक्वायर्ड फिनिश है, ना ही उसका आप यूज कर पा रहे हो, ना ही कोई यूटिलिटी है, और ना ही उसके साथ कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉपर्टीज को वी कंबाइंड इन ए सिंगल वर्ड एंड वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर पीस डज नॉट हैव एनी वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये तो बात हुई बेटा हमारे, ये जो वेस्ट पीस है, ये जो माइल्ड स्टील का हमने पीस कंसिडर किया है उसकी। नाउ लेट अस सपोज दैट यू हैव सम एक्टिविटी, आपने कुछ एक्टिविटी आपको पता थी, आपको कुछ प्रोसेसेस पता थे, यू हैड द नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, यू हैड द नॉलेज ऑफ सम प्रोसेसेस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्टिविटी यू अप्लाइड दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑन दिस पीस, ऑन दिस वेस्ट पीस ऑफ मटीरियल, आपने वो एक्टिविटी इस वेस्ट पीस के ऊपर अप्लाई की, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी की हेल्प से यू जस्ट टुक आउट ए पीस ऑफ, आपने इसके अंदर से एक पीस निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हैं बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टुक आउट ए पीस ऑफ बोल्ट और स्क्रू एंड ए नट आउट ऑफ इट, इसके अंदर से आपने एक बोल्ट और स्क्रू का कॉम्बिनेशन बाहर निकाल लिया, क्लियर, आपने एक स्क्रू बाहर निकाल लिया और आपने एक नट बाहर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी, कुछ आपने एक्टिविटी किया, ठीक है, उसको कट किया, मशीन किया, कुछ भी किया, और उसकी हेल्प से आपने इस वेस्ट पीस के अंदर से कुछ यूजफुल टर्म्स, कुछ यूजफुल एक्टिविटी करके ये चीज बाहर निकाली। नाउ दिस बोल्ट, बोल्ट एंड फॉर एग्जाम्पल बोल्ट एंड नट, नाउ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ बोल्ट एंड नट हैव सम डिफाइंड वैल्यू, डिफाइंड शेप एंड साइज, ठीक है ना। अब इस वस्तु, इस जो असेंबली आपने निकाली है बोल्ट और नट की, इसका कुछ शेप है, इसका कुछ साइज है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी आपने इसके ऊपर वर्क किया होगा तो उसका फिनिश भी स्मूथ हो गया होगा, तो इट हैज सम सरफेस फिनिश, ठीक है, और जिस प्रोडक्ट का, जिस असेंबली का कुछ डिफाइंड शेप है, डिफाइंड साइज है, उसके अंदर फिनिश भी रिक्वायर्ड है, we can say that that particular piece of assembly have some use or utility, ठीक है ना। कहाँ यूज कर सकते हैं, मान लो कि दो शीट्स हैं, आपने उसको ज्वाइन करना है, we can use this system,
टेम्परेरी ज्वाइन करना है, तो आप इस सिस्टम को जो आपने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी, आप इसको यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, अगर किसी प्रोडक्ट का कोई डिफाइंड शेप होता है बेटा, डिफाइंड शेप है, डिफाइंड साइज है, कुछ फिनिश भी है, यूज भी है, वी कैन इजिली से दैट कि उस प्रोडक्ट का कुछ कॉस्ट भी होगा एंड दैट कॉस्ट विल बी मच ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द स्क्रैप. ये चीज़ अग्री हो रहे होंगे सारे, ठीक है? नाउ द प्रोडक्ट विच हैज सम यूज, सम वैल्यू, सम यूटिलिटी, सम कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन, वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ असेंबली हैज सम गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू टू इट. उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना? क्लियर? सो ये दोनों चीजों में ये बेसिक्स से डिफरेंस है. ये चीज ऐड होगी, देखो प्रोडक्ट में फिनिश ऐड होगी, शेप ऐड होगी, साइज ऐड हो गया, यूज हो पा रहा है उस चीज का, कुछ कॉस्ट आ गई है, इन शॉर्ट उसके अंदर कुछ वैल्यू जनरेट हो गई है. ओके, क्लियर? अब आप चीज आप लोग देखिए, ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जनरेट हुई है, वो रिक्वायर्ड वैल्यू कहाँ से जनरेट हुई? उसके पास शुरू से तो था नहीं. तो आपने जो ये एक्टिविटी परफॉर्म किया, दिस एक्टिविटी विच यू हैव परफॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ मटेरियल, ये जो एक्टिविटी थी इतनी पावरफुल थी, इतनी यूजफुल थी, दैट इट एडेड दीज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, required characteristics to a waste piece. एक waste piece के अंदर भी ये सारी चीजें इस particular activity ने add कर दी, ठीक है ना? Clear? तो what does it mean? It means that this activity represents what? Represents the manufacturing. ये जो activity है ये represent कर रहा है manufacturing. Okay, so इसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो किस चीज से आप डिफाइन करेंगे इसको? सो मैन्युफैक्चरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दैट मैन्युफैक्चरिंग इज ए वैल्यू एडिशन एक्टिविटी. ओके, जो आपने शुरू में बताया दैट इट्स ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है. But if you could add a line, this line to the basic definition of the manufacturing, that will complete the technical definition of the word manufacturing. ठीक है, आपने layman terms में नहीं सिर्फ answer देना that it's a process of converting this to this. आपने थोड़ा सा हर चीज में, मैं particular manufacturing की बात नहीं कर रहा बेटा, जो भी आपसे कोई question पूछता है, आपके interviews होने हैं तो इंटरव्यूज में ज्यादातर क्या होता है, बेसिक्स पे ही आपका फोकस होता है इंटरव्यूअर पर. बेसिक्स से ले, अगर अनटिल एंड अनलेस कोई आप ऐसी इंडस्ट्रीज में वाइवा दे रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पे वो आपको पूरी तरह मैकेनिकल है, सारा मैकेनिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ साइंटिफिक चीज है, तो वहाँ पे तो आपको डीप, बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं. बट अगर कोई कुछ रैंडम सी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च का काम या साइंटिफिक काम नहीं होता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या डिज़ाइन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपके बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है. तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं. अगर आप सिंपल ऐसे ही आंसर दे दोगे हर चीज़ का बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, तो आप आंसर तो सही दे रहे हो, गलत थोड़ी है, मतलब लॉजिकली तो सही है, बट उसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं आ रहा उस चीज़ में. आपके इंटरव्यूअर समझेगा कि इसको टेक्निकल नॉलेज जो है, जो बेस चाहिए, वो थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि वो आप उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड नहीं कर पा रहे हो जो कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं करके गया. तो 10 स्टूडेंट हैं, 10 के 10 अगर यही डेफिनेशन सुना के आ जाएंगे तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना. तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल इनपुट अपने हर आंसर में कुछ यूज़ करने चाहिए वाइल राइटिंग योर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम वो, या आप वाइवा क्वेश्चन करते हैं फाइल में वो, ठीक है, या कोई आपसे इंटरव्यू या कुछ भी होता है, सब में कुछ ना कुछ टेक्निकल इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने बेटा ध्यान रखनी है. सिंस यू आर इन फाइनल ईयर, आपके पास मतलब नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक तो आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर बन चुके होंगे, ठीक है? कोई बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई यहाँ पे जॉब कर रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप अपनी हैबिट में डाल लो, ठीक है? ये थोड़े एटिकेट्स और ये कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल इनपुट्स,
ठीक है. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करना पड़े अब, इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिफाइन द मैन्युफैक्चरिंग, सो वी कैन डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग एज एन एक्टिविटी इन विच ए रेंडम शेप एंड साइज रॉ मटीरियल. देखो अभी तक हम रॉ मटेरियल कर रहे थे ना, बस एक वर्ड और ऐड कर दिया कि उसकी शेप भी नहीं है और साइज भी नहीं है और कोई डिफाइंड प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है. इज कन्वर्टेड टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, विद डिफाइंड प्रॉपर्टीज. और यहाँ पे एक वर्ड और करना है, एंड वैल्यू. इंटेंशनली छोड़ा था कि मैं आपको उस समय लिखूं एंड वैल्यू, तो ये कीवर्ड है. सो वैल्यू इज द मेन कीवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. क्लियर आई गेस, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें. कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा हम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बेसिक. आज बेसिक से हम पूरा करेंगे अपना, बेसिक क्लासिफिकेशंस. बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है बेटा. चैट बॉक्स में कुछ आया है, चैट बॉक्स में 412 इज आस्किंग, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम एंड एएमएम. ठीक है बेटा, देखो बेटा सिम क्या है. सेम स्टैंड फॉर वॉट, 412. आकाश सुन रहा है भाई? आकाश लिस्निंग. हाँ, सेम क्या है? सेम रिप्रेजेंट्स वॉट? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. हाँ, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. और ए एम एम रिप्रेजेंट्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स नहीं, मेथड्स, ठीक है. अगर आप सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपको वो बता रहा हूँ. देखो सिम के अंदर आप क्या करोगे ना, चाहे आपके पास लेथ हो, चाहे आपके पास मेलिंग हो, और चाहे आपके पास ये एडवांस मेथड्स हो, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दीज, इसको कन्वेंशनल मशीन्स बोलते हैं. दीज कन्वेंशनल मशीन्स एंड एज वेल एज the non-conventional machine into the automatic ones with the help of some tapes or codes. आप सिम में बेटा बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जी कोड्स, एम कोड्स, ठीक है. तो विथ द हेल्प ऑफ सम सी एन सी प्रोग्रामिंग आप कन्वेंशनल को भी और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है. तो दैट रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में क्या पढ़ोगे आप इसमें, पहली चीज, इट डज नॉट रिप्रेजेंट्स द कन्वेंशनल मशीन्स. ये वाली मशीन्स तो इसमें आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है. इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सम एडवांस मेथड्स विच आर इंटीग्रेटेड विथ कंप्यूटर. समझा भाई? तो आकाश सिम, सिम क्या है, आप किसी भी मशीन को ना आप ऑटोमेट अगर आप कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ जी कोड एंड सिम कोड्स, तो उस मशीन को मैं उस पर्टिकुलर मशीन को बोल दूंगा मैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीन, ठीक है. उसमें कन्वेंशनल भी आएंगे, नॉन कन्वेंशनल भी आएंगे. एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में आप एडवांस मशीनिंग के बारे में पढ़ोगे जो कि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर से ही ऑपरेट होंगे. कंप्यूटर इन द सेंस कुछ प्रोग्रामिंग से, सीएनसी प्रोग्रामिंग, ठीक है. कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप ही नहीं होता, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं है, मतलब कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे होता है उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं हम, पीएलसीस वगैरह. हाँ, सीएनसी प्रोग्रामिंग, ठीक है, या एपीटी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी होती हैं, ठीक है. क्लियर हो गया डाउट? यस सर. चलो नेक्स्ट अब हम करते हैं हमारा द क्लासिफिकेशन ऑफ. अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ रैंडम, एक फिलिंग द ब्लैंक लिख रहा हूँ. यू नीड टू यूज द चैट बॉक्स बेटा. अभी चैट बॉक्स यूज करके यू हैव टू राइट द आंसर इन दैट
chat box and that received answer at that particular moment will be considered for your attendance. जिसका chat box नहीं चल रहा होगा वो मुझे बता दें, मैं उसका roll number manually लिख लूँगा. Otherwise that answer will be considered for your attendance. ठीक है, आंसर को सबको पता है ऑलरेडी. चलो क्वेश्चन है बहुत बेसिक, एक फिल इन द ब्लैंक है, यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक. आपको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है दैट आई रिपीट अटेंडेंस के लिए मैं उस चीज को काउंट करूंगा. मैन्युफैक्चरिंग इज ए, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है. एडिशन प्रोसेस, ठीक है. जल्दी से आपके पास 10:32 हो रहे हैं तो 10:33 तक आपके पास टाइम है, सिर्फ एक मिनट का टाइम. ठीक है, तो 10:33 होने हो गए हैं, इसी में जल्दी कर दो जिसने नहीं किया है. डन आई गेस, ठीक है, सबने कर दिया. चलो गुड, मैं उसको बाद में अटेंडेंस में. 10:34 पे कोई आंसर आएगा उसको नहीं मैं मानूंगा अटेंडेंस में. यू हैव टू बी क्विक एन आंसर. ओके बेटा, काफ़ी आंसर आ गए मेरे पास. ठीक है, इस मोमेंट पे 44 अटेंडेंस है. आई हैव 44 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, एंड मैनी हैव रिप्लाइड. आंसर लिखने की जरूरत है, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बताओ कोई. नो सर, नहीं है ना जरूर. हाँ वैल्यू, हाँ वैल्यू ना. चलो कोई नहीं, वैल्यू लिख देते हैं इसमें वैल्यू. चलो बस, अब रिस्पॉन्स 34 हो गए हैं, वो टाइम भी आता है आपके आंसर के साथ, आपको दिख रहा होगा. चलो अब जरा नेक्स्ट चलते हैं. लेट अस क्लासीफाई द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. आपको आते हैं ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. सो वी कैन क्लासीफाई द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस into two basic categories. दो basic categories होती हैं. पहला is primary shaping processes. ठीक है, and दूसरे होते हैं हमारे secondary shaping processes. सेकेंडरी शेपिंग प्रोसेसेस. ओके, तो इन दो ही कैटेगरी है हमारे. इन दो कैटेगरीज में वी कैन क्लासिफाई होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन दीज टू ओनली. ठीक है, तो पहला है हमारा प्राइमरी. तो प्राइमरी के अंदर मैं ज़्यादा टाइम यूज नहीं करूँगा इसमें. दैट प्राइमरी के अंदर बेसिकली वी हैव टू प्रोसेसेस, रादर थ्री प्रोसेसेस. फर्स्ट प्रोसेस आता है हमारा कास्टिंग, और सेकंड प्रोसेस आता है हमारा फॉर्मिंग. ठीक है, जो सबसे फर्स्ट प्रोसेसेस हैं, इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी मटेरियल का बनाना है, तो उसको बनाने के लिए दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज टू अंडरगो अंडर दीज प्रोसेसेस. उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टार्टिंग एंड पे, जहाँ से वो मटेरियल डेवलप हुआ होगा, जहाँ से वो मटेरियल बना हुआ होगा, उसका किसी ना किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ कास्टिंग ऑपरेशन हुआ होगा, या कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर मटेरियल का कुछ फॉर्मिंग ऑपरेशन हुआ होगा. ठीक है, इसके अंदर बेटा अब एक थर्ड प्रोसेस और आते हैं. तीन तरीके के ये प्रोसेस होते हैं. थर्ड प्रोसेस मुझे अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है
नाम वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर बताना है। किसी को पता है थर्ड कौन सा रह गया इसमें? जो प्राइमरी शेपिंग है, प्राइमरी का मतलब समझ गए ना, कहीं ना कहीं वो वाले प्रोसेस उस एक प्रोडक्ट को बनाने के थर्ड मोल्डिंग यूज हुआ होगा। देखो मैंने कास्टिंग लिख दिया, या तो कास्टिंग हुआ होगा और या एंड, दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं और भी हो सकता है, या उस मटेरियल का फॉर्मिंग हुआ होगा या एक तीसरी चीज हुई होगी। फॉर्जिंग फॉर्मिंग एक ही में आ गए, फॉर्जिंग ना, फॉर्जिंग फॉर्मिंग के अंदर ही आ गए वो सब कुछ। जहाँ पे आप हैमर यूज कर रहे हो ना, वो सारे प्रोसेस फॉर्मिंग में कहलाते हैं। फॉर्मिंग स्टैंड्स फॉर वेल्डिंग या जॉइंट करने का प्रोसेस। हाँ, फॉर्मिंग का मतलब पहले मैं फॉर्मिंग बता दूँ याद रखने के लिए। फॉर्मिंग स्टैंड्स फॉर FOR मतलब फोर्स, जहाँ पे भी आप फोर्स लगा रहे हो मटेरियल के अंदर वो सारे फॉर्मिंग है। तो चाहे वो फॉर्जिंग हो, चाहे एक्सट्रूजन हो, चाहे रोलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। सर जॉइनिंग या सोल्डरिंग वेल्डिंग? हाँ जॉइनिंग, मेरे पास मैं आंसर लिख लेता हूँ बेटा आप लोगों के, मेरे पास आंसर्स आए हैं जॉइनिंग वेल्डिंग मोल्डिंग और बताओ कुछ। सोल्डरिंग इससे बेटा आप होल्ड पे नहीं जाओगे, मैं इसलिए बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब वो एक्सेल शीट में होल्ड लिखा आ गया ना, वो मेट की उस पर लोड होगा। अगर हमने यहाँ पे आपको अटेंडेंस देगी थी तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ से आ जाए कि भाई होल्ड पे था तुमने कैसे दे दी। तो आप ना एक्टिव रहो चीज़ों में, जो भी मन में आ रहा है इस समय आप, मैं ये नहीं कह रहा सही देना है आपने, जो भी आपको लगता है कि वो प्राइमरी प्रोसेस है वो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। और बताओ एनीबडी एल्स? विश्रुत बता बेटा। सर मशीनिंग हो सकता है? मशीनिंग मैं लिख लेता हूँ अभी सारे जो जो मेरे पास आ रहे हैं आंसर। विश्रुत हो गया, और कौन है इस क्लास में? अगम है शायद। अगम बताओ। सो वेल्डिंग लग रहा है। ठीक है सर, वेल्डिंग ही होगा। ठीक है चलो, वेल्डिंग के बहुत सारे रिस्पॉन्स, अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जॉइनिंग ही होना चाहिए सर, जॉइनिंग के अंदर ही तो वेल्डिंग आ गया ना। हाँ, जॉइनिंग स्टैंड्स फॉर बहुत सारे एडहेसिव, बहुत सारी चीज। हाँ अब देखो, जो हमारा मशीनिंग है बेटा, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैं इन्हीं को पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट बना है कास्टिंग से, ठीक है, जैसे हमारे लेथ का बेड हो गया या कुछ भी, ABCD आपने मटेरियल बना दिया, ABCD प्रोडक्ट बना दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका जो यूज़ होगा वो कुछ फिनिश जगह पर यूज़ हो, ठीक है ना। वी हैव सम कास्टिंग प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल डाई कास्टिंग, समझे, डाई कास्टिंग जो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और उसके ग्रेविटी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑलरेडी इतना फिनिश्ड होता है बेटा कि आपको ऑलरेडी इतना एक्यूरेट बनता है कि आपको मशीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो मशीनिंग नहीं हो सकता, प्राइमरी सेकेंडरी बिल्कुल होगा। मोल्डिंग इज ए टर्म यूज्ड फॉर कास्टिंग, मोल्डिंग तो ऑलरेडी हो ही गया है, ठीक है बेटा। अब ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ठीक है, अगर इसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट की असेंबली बनानी थी तब तो चलो मुझे वेल्डिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने कोई भी मान लो डस्टर शेप, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही बनाना है तो वो ब्लॉक तो सीधा डाई कास्टिंग से बनी रहे ना, तो मुझे जॉइनिंग करने की भी, ऐसा नहीं है कि जॉइनिंग बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी प्रोसेस हो गया है ना, तो ये भी नहीं होगा बेटा। तीसरा प्रोसेस मैं आपको हिंट देता हूँ, अब आप मेरे को बता दोगे जितना मुझे उम्मीद है आपसे। देखो इसमें हमारा ड्रिलिंग, रुक जा, नहीं बेटा ड्रिलिंग भी मशीनिंग में आ गया ना, जहां पे मटेरियल रिमूव हो रहा है दैट इज मशीनिंग। एक्सट्रूडिंग शेपर भी नहीं होगा, एक्सट्रूडिंग इसमें आ जाता है बेटा, फॉर्मिंग में आ गया। अब देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, उससे पक्का आप आंसर दोगे। अब देखो इस जो कास्टिंग होता है उसके अंदर जो मटेरियल का फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, अग्री कर रहे हैं ना सारे, ठीक है, ओके ना, याद आ रहा yes, है, ठीक है। जो फॉर्मिंग yes, है या फॉर्जिंग है या एक्सट्रूजन है, उन सब में जो रॉ मटेरियल का जो इनिशियल फॉर्म होता है वो हम कैसा लेते हैं, सॉलिड होता है ना, नहीं लिक्विड नहीं बेटा, फॉर्मिंग में सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड को बार बार आप हैमर से दबाते हो ना, क्लियर है, सॉलिड ओके है सबका। नाउ ये जो थर्ड प्रोसेस है इसके अंदर देखो, तीन स्टेज, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, और तीसरा जो पॉसिबल रह गया हमारा पाउडर मेटल, सर पाउडर
पाउडर मेटल पाउडर रह गया ना स्टेट, तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनिशियल मटेरियल लिक्विड या सॉलिड नहीं होता है, अगर पाउडर है वो प्रोसेस का नाम है, आप बताओ जल्दी से। पाउडर मेटल, हाँ पाउडर मेटल। क्लियर हुआ कुछ? ये क्यों है पाउडर मेटलर्जी? अगर आपके पास और से कोई प्रोडक्ट निकाला आपने, ठीक है, अब वो पाउडर फॉर्म में अगर आपके पास है, उसका कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सिंटरिंग करना पड़ेगा, है ना, कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, वो सारे प्रोसेसेस किस में आते हैं? वो सारे प्रोसेसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम पाउडर मेटलर्जी। तो अब बेटा आपको भूलना नहीं चाहिए, इससे याद रखो, देखो इसमें लिक्विड यूज हो रहा है, इसमें सॉलिड यूज हो रहा है, तो इसमें पाउडर यूज हो रहा होगा, तो तीनों स्टेट जो स्टेट्स हैं हमारे पास मटेरियल के इस समय, वो तीनों अगर आप यूज कर रहे हो तो सारे इनिशियल स्टेजेस में वो सारे हमारे प्राइमरी शेपिंग में। क्लियर हो गया बेटा? ओके नेक्स्ट चलें। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम, ये चीजें मैं जो रफ है इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है वी हैव द सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब आपने विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेस, आपने हैमर यूज करके या लिक्विड यूज करके या पाउडर मेटलर्जी यूज करके आपने एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे सॉलिड देख लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सैंड कास्टिंग किया आपने, तो सैंड कास्टिंग में क्या प्रॉब्लम होती है? दैट द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर ए बिट पोरस। जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के वो थोड़े थोड़े पोरस होते हैं, उनके ना पोर्स होते हैं। जैसे मान लो ये ग्रेन्स है सैंड के, यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड ए मैसेज दैट द ऐप स्टॉप्स एंड आई कैन ओनली हियर योर वॉइस। अच्छा आवाज़ आ रही है 402 को, ठीक है कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो बोलूँ भी साथ के साथ पूरा विदाउट मिसिंग एनीथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन सम सैंड कास्टिंग, आपने सैंड कास्टिंग किया, सैंड कास्टिंग याद है बेटा? फाइनल में आगे भूल तो नहीं गए? चलो ये आपने एक पर्टिकुलर मोल्ड बनाया, कैसे होता है सैंड कास्टिंग, इसके अंदर लिक्विड जाता है, ये लिक्विड लेयर बाय लेयर फिर इस एरिया को फिल करता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो विद द हेल्प ऑफ ए राइजर बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब देखो अगर सैंड के अंदर पोर्स हैं छोटे छोटे, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड मेटल है इन सैंड पोर्स से भी थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा, ठीक है, जब वो श्रिंक होगा कैविटी तब वो थोड़ा थोड़ा अंदर भी चले जाता है, बट जब आप जब सॉलिडिफाई हो जाता है मोल्ड, व्हेन इट सॉलिडिफाइज, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी टॉप सरफेस पे क्या दिखेगा आपको, टॉप या जो भी सरफेसेस सैंड के कॉन्टेक्ट में है, यू विल सी सम ड्रॉप्स ऑफ मेटल, मेटल के ड्रॉप्स दिखेंगे आपको, ठीक है, एंड दीज ड्रॉप्स रिप्रेजेंट्स दैट द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ओके बेटा, ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ड्रॉप्स हैं तो आप उसको टच करोगे तो आपको फील होगा ना वो ड्रॉप्स, वहां पे रफनेस लगेगा, दैट मींस इट रिप्रेजेंट्स सम रफनेस, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज आपको पता है सैंड कास्टिंग से जो मटेरियल आप बनाते हैं वो मोर और लेस, उसमें जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी, तब आपको वो डायमेंशनल एक्यूरेसी अचीव करने के लिए एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है, और जिस प्रोसेस का होता है नाम अभी ले रहे थे आप सब, दैट इज मशीनिंग। तो मुझे उस प्रोडक्ट की मशीनिंग करनी पड़ेगी, क्लियर हो गया? तो मशीनिंग इज ए सेकेंडरी प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट की मशीनिंग हो रही होगी, जो भी प्रोडक्ट की आप मशीनिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट की मशीनिंग आपने MCDT लैब में की है या मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लैब में की है, वो सारे प्रोडक्ट पहले कास्टिंग, फॉर्जिंग, पाउडर मेटलर्जी से बन चुके होंगे, उसके बाद उसकी आप मशीनिंग कर पा रहे हो, ठीक है ना, ओके। सो दूसरा प्रोसेस जो है सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के, फॉर एग्जाम्पल ये आपने प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको, फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल वन है माइल्ड स्टील का और एक छोटा सा माइल्ड स्टील का प्रोडक्ट और है, नंबर टू आपने इसके साथ इसको ज्वाइन करना था,
तो आप क्या करोगे, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे बताओ बेटा? पहले मैं ऑपरेशन का नाम ही लिख देता हूँ, दैट ऑपरेशन इज ज्वाइनिंग। और सिंस दोनों माइल्ड स्टील के हैं इस केस में, तो आप क्या करेंगे, वेल्डिंग, आप उसकी वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, मान लो इसी प्रोडक्ट के ऊपर, मान लो इसी तरीके का कोई प्रोडक्ट था, एल्यूमिनियम का था, कुछ भी था, एबीसीडी, और उसके ऊपर आपने कोई नॉन मेट या कोई मेश, जैसे डस्टर होता है हमारा, तो वुड है, वुड के ऊपर आपने कोई वायर मेश लगाना है, ठीक है, उस प्रोसेस को भी वी कॉल इट एज ज्वाइनिंग। और वहां पे ज्वाइनिंग किस तरीके से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव, आप कुछ उस पे पेस्ट लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपने मेश रख दिया, वो चिपक गया, दैट इज ऑल्सो ए ज्वाइनिंग। ठीक है, अगर आप ब्रेज वेल्डिंग कर रहे हो या ब्रेजिंग कर रहे हो या सेमी कंडक्टर या कुछ भी कर रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से इफ यू आर ज्वाइनिंग द मटेरियल्स टुगेदर, वो सारे हमारे आएंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया मेरे ख्याल? नाउ थर्ड टाइप ऑफ द सेकेंडरी प्रोसेस इज, अगला क्वेश्चन आने वाला आपके पास थोड़ी देर में, इज आपने मटेरियल तो इसके साथ जोड़ दिए, अब वेल्डिंग के दौरान जब आप वेल्डिंग कर लेते हैं तो एक वेल्ड बीड बनती है ना, जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहा होता है, और वेल्डिंग के पार्टिकल्स कई बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम कुछ वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड पिघलता है उसके ड्रॉपलेट सरफेस के ऊपर भी आ जाते हैं, तो फिर आपको इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, यू नीड टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ ए वायर ब्रश, और उसके बाद उसके और भी एडवांस प्रोसेसेस यूज करके आप उस पर्टिकुलर पीस को क्या करते हैं, फिनिश, आपको वो फिनिश करना पड़ता है। तो थर्ड सेकेंडरी प्रोसेस इज सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। इसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं, लैपिंग करते हो, बफिंग, हाँ बफिंग करते हो, ठीक है, हॉनिंग करते हो, हाँ हॉनिंग करते हो, ये सिंपल आप एब्रेसिव पेपर से आप उसको क्लीनिंग करते हो, वो सब फिनिशिंग में आ जाता है। फोर्थ प्रोसेस जो सेकंड में है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये आप बताओगे मुझे, मैं आपको पहले दे रहा हूँ थोड़ा सा हिंट, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ क्या, दैट यू हैव, क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा, अभी 48 हो गए, मैं एक्सेल शीट से भी एक बार डाउनलोड करूँगा अटेंडेंस एग्जैक्टली एक मिनट बाद। तो आपके पास एक प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है, एमएस का, अब जल्दी से बताना, ठीक है, एमएस का एक प्रोडक्ट है आपके पास, आपका रिक्वायर्ड जो हार्डनेस था, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ हार्डनेस, वो था कि इस प्रोडक्ट की हार्डनेस होनी चाहिए ए, अब आपने वो सेम प्रोडक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग, ठीक है, और हार्डनेस आ गई ए माइनस टू, रिक्वायर्ड थी ए और ये आ गई ए माइनस टू, तो इससे क्या हुआ फिर, हार्डनेस कम होगी ना, तो दो तरीके हैं, या तो आप पूरे प्रोडक्ट को दोबारा स्टार्टिंग से ही आप बनाना शुरू करो, एक तो ये कर सकते हो, ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, वो प्रोसेस है, बताओ, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वी हैव टू गो फॉर द हीट ट्रीटमेंट, आप वेस्ट नहीं करोगे प्रोडक्ट को, आप सिंपल हीट ट्रीटमेंट कर दोगे जितना पॉसिबल होगा। अगर मान लो ए आया था और वो हार्डनेस उसकी ए माइनस बहुत ही कम होगी, तब आपको और कोई अल्टरनेटिव, कुछ कोटिंग करना पड़ेगा, कुछ हार्ड मटेरियल की लेयर लगाने पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, बट आप उसको वेस्ट नहीं करोगे, आप दोबारा से करोगे तो सारा जो कॉस्ट इन्वॉल्व था, लेबर इन्वॉल्व था, वो सब वहाँ पे वेस्ट हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज इतने रखते हैं बेटा, 50 हो गए हैं, अभी एग्जिट नहीं करना, एक दो चीज़ें मैं मुझे छोटी सी बतानी है, एक छोटा सा मैंने क्विज बनाया है बेस्ड ऑन दिस लेक्चर, ठीक है, उस क्विज का जो लिंक होगा वो मैं इसी चैट बॉक्स पे पेस्ट कर रहा हूँ, आप उस क्विज को, आपका नेक्स्ट लेक्चर 11 बजे है, 11 बजे तक बेटा उस जो क्विज है उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, क्लियर, 11 बजे तक क्या, मैं आपको 12 बजे तक का टाइम दे देता हूँ, आप 12 बजे तक उस क्विज को अटेम्प्ट कर लेना, नेक्स्ट क्लास जब खत्म होगी उस समय आप वो क्विज अटेम्प्ट कर, मैं उस पर टाइम लिमिट डाल रहा हूँ 12 बजे तक, एक मिनट में आ रहा है आपके पास।